उसका इंतजार और है, हमारा इंतजार और है। किसी बहुत बड़े मर्जे तकदीर ने सफर इराक और ईरान के दरमियान मुझे बुलवाया और मुझसे कहा कि ताली जोहरी सुनो, मैं अब ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा, पाकिस्तान के शियों को मेरा सलाम पहुंचाना और यह कहना कि अब पूरे इमाम में बहुत ज्यादा देर नहीं है, अपने आप को इस काबिल बनाए कि इमाम को चेहरा दिखा। यह जुमला मैंने क्यों कहा, इंतजार की दो किस्में, वो इंतजार कर रहा है कि काफिर कुलबों से मोमिन निकल आए, हम इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने आप को इस काबिल बना सकें, हम इंतजार कर रहे हैं कि हम अब तो हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार का यह मतलब नहीं है कि ज्यारत पढ़ी चले गए, इंतजार का मतलब अपने को इस काबिल बनाओ, अपने को इस काबिल बनाओ कि जब इमाम दूर करे तो उसे अपना चेहरा दिखा सको। यही सबब है कि रिवायात आले मोहम्मद में 27,000 से ज्यादा हदीसें हैं कि जहूर से पहले क्या होगा, 27,000 से ज्यादा हदीसें हैं और खुदा की कसम हक्कानियत मजहब इमामिया के लिए काफी। बस मेरी तकरीर तमाम हो गई, क्या भूल गए कि मेरा अली कह रहा था सैयद अनन्ना से जमानुन दुर्तफाओ फील फाहिशा बोला तुसला, एक जमाना आने वाला है इस उम्मत पे, एक जमाना आने वाला है कि फाहिशा मुनकर आम हो जाएगा बोला तुसला और नई नई बदकारियां ईजाद होंगी। कब देख रहा था मेरा अली तुम्हारे मुआशरे को है ना, वाह जो तफको बिल मकाइल बल मवाजीन ताजिर अपनी तिजारत में दयानतदार नहीं होगा, वह दुस्तखफो ले हुदूदी सलात उस जमाने में नमाज के अव्वल वक्त का कोई एहतराम नहीं करेगा, ठीक, वह तहल्लुल खब्र बिन नबी वर रिश्वतो बिल हदिया वल अमानतो बिल खियाना, लोग उसके रात किएंगे ये कह करके जायज है, लोग रिश्वतें लेंगे ये कह करके हदिया है, ये कोई हट क्या है, लोग खियानत करेंगे ये कहकर अरे ये तो ऐन अमानतदारी है। वह जो हज फी है लगैरिल्लाह और जमाना आ रहा है कि लोग अल्लाह के लिए हज पे नहीं जाएंगे, अल अग्नियाओ दिनुधर सरमायादार जाएगा सफरी के लिए, बल औसात और तजारा मुतवस्सित लोग जाएंगे तजारत के लिए, बल फुकराओ लिल मसना और गरीब जाएगा मांग के खाने के लिए। देख रहे हो मिजाज, कूफे के मेंबर से मेरे अली ने 1,000 साल पहले कहा, आज हो रहा है या नहीं, और आवाज दी मेरे अली ने एजा दयात उम्मत मोहम्मद अली मुस्तफा अस्सलावात, सुनो मेरे बेटे बेटी का जहूर उस वक्त होगा जब रसूल की उम्मत नमाज को जाया कर देगी, व तब शाहवाद लोग अल्लाह की अत्तबा नहीं करेंगे, अल्लाह की पैरवी नहीं करेंगे, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करेंगे, और सुनोगे शरेबुल कहवात नए नए कहवे के मशरूब याद हो जाएंगे और उनका रवाज हो जाएगा मुआशरे में, और सुनोगे वस्तशारू शतमल आबाए वल उम्महात और लोग बातचीत में मां की और बाप की गालियां क्या करेंगे। फहीना ए दिन अली बोल रहा है, बस तकरीर तमाम हो गई, फहीना ए दिन उसरत समावात, यह वो जमाना होगा जब आसमानों की तरफ लोगों की तवज्जो होगी और लोग आसमानों में जाने लगेंगे, वयकूनुल मतरु कैज़न वल बलदु गैज़ा उस जमाने में बारिशें रुक जाएंगी और औलाद बदतमीज हो जाएगी, फैज़ा कान ज़ालिका ज़मान जब ऐसा जमाना आ जाए, फयकूनु सनतु कश्शहर वश्शहरु कल उस्बू वल उस्बू कल यौम। देखो अली के अलावा खुदा की कसम कोई नहीं कह सकता था जब ऐसा जमाना आ जाए कि लोग आसमानों की तरफ जाने लगे, जब ऐसा जमाना आ जाए कि लोग आसमानों की तरफ जाने लगे तो उस जमाने में 1 साल 1 महीने के बराबर छोटा हो जाएगा और महीना हफ्ते के बराबर हो जाएगा और हफ्ता दिन के बराबर हो जाएगा और दिन घंटे के बराबर हो जाएगा। क्या कसरत अशगाल ने तुम्हारे वक्तों पर वो पाबंदियां नहीं लगा दी, क्या एहसास नहीं है कि साल कितनी जल्दी आया और कितनी जल्दी गुजर गया। भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए अली का पैगाम है और अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। उसके बाद फरमाने लगे फैज़ा काना ज़ालिका ज़मान उज़मुल अहिल्ला, जब वो जमाना आ जाए तो रोयत हिलाल में बड़े इख्तलाफ होंगे, कोई कहेगा पहली का चांद है, कोई कहेगा दूसरी का चांद है। भाई अली 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 बोल रहे हैं, अली अली बोल रहे हैं। उसके बाद आवाज दी नेताओं दासियातुन आरियातुन
उस जमाने की खवातीन लिबास में होगी मगर लिबास के बगैर हो। खुदा की कसम अली के अलावा कोई नहीं कह सकता था, अली 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 के अलावा कोई नहीं कह सकता था। और सुनो, क्या तू नहलाल माया है? और उस जमाने के मर्द जब मस्जिदों पे आया करेंगे तो तेज घूमते हुए पहिए की सवारी पे सवार होकर आया करेंगे। देख रहे हो अली की निगाह कहां तक देख रही है? और बताओ, फैजा काना जालिका जमान फैजा कदुरा बात आला तोहरीन, अगर तुम उस जमाने में बाकी रहो तो अपनी कोई रात तहारत के बगैर न गुजारो। बस 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 मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, मेरी तकरीर तमाम हो गई। अगर उस जमाने में बाकी रहो तो अपनी कोई रात तहारत के बगैर न गुजारो, इसलिए कि अस्बह अस्बह सालिमन फयुमसी दफीना, वो जमाना ऐसा जमाना होगा कि सुबह को मिलोगे इंसान सही जो सालिम मिलेगा, शाम को खबरगिरी करोगे मालूम होगा दफन हो गया, और शाम को उससे मिलोगे सही और सालिम मिलोगे, जब सुबह को पूछोगे मालूम होगा कि वो दफन हो गया। वह अस्तुकुम इनिताकुम, भाई सुनना, मेरी तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। अली कह रहे हैं, मैंने नसीहत की अगर नसीहत को कबूल करो, मैंने वास किया अगर वास को कबूल करो, मैंने तुम्हें मुस्तकबिल बतला दिया, अगर मुस्तकबिल जानना चाहो तो भाई हम अगले दिन की बात नहीं बता सकते, और अली 1000 साल बाद की बात बता रहा है। तो जब तुम अली जैसे नहीं बन सकते तो नबी जैसे कैसे बन जाओगे? मैंने अपने अपने सुनने वालों को जहमत दी और गुफ्तगु तमाम कर रहा हूँ। उमैर इब्ने ज़ियाद नखी का मकबरा नजफ में मौजूद है, कूफा और नजफ के दरमियान। ये मेरे आखिरी जुमले हैं और अब मैंने अपनी तकरीर खत्म की। कोमैल का मकबरा कहाँ है? नजफ और कूफे के दरमियान, महल्ला कोमैल का नाम भी। एक दिन अली कोमैल के साथ घूम रहे थे उस इलाके में। कहा, कोमैल तुम्हें एक रात की बात बताऊं? कहा, अमीर मोमिन बतलाए बोला बतलाए। कहा, सुनो कोमैल, यहाँ तुम दफन हो जाओगे। देखो मेरा अली कह रहा है, यहाँ तुम दफन हो जाओगे। कहा, मौला ये जगह तो आपकी कब्र से बहुत दूर है। कहा, मत घबराओ मत घबराओ उमैर, एक दिन ये कब्र मेरी कब्र से नजदीक हो जाएगी। कहा, मौला ये कैसे मुमकिन है? क्या जाएगी? कहा, नहीं, तुम्हारी कब्र और मेरी कब्र के दरमियान सुबना कसूर, बड़े बड़े महलात बनेंगे, आलीशान फर्श डाले जाएंगे, बड़े अजीब गरीब पर्दे होंगे, वफी कुल्ले बैतिन मिरातुन, और हर घर में एक शीशा लगा हुआ होगा, जुलगरो बिहल करीब अल भाई, और उस शीशे में दूर और नजदीक की चीजें नजर आएंगी। भैया यही यही पैगाम था और गुफ्तगु को इस मरहले पे तमाम कर रहा हूं कि ये जो अलामात दी है ना आले मोहम्मद ने, ये जो अलामात दी है, इन अलामात का मकसद यही है कि इन्हें हासिल करते रहो, इन्हें पढ़ते रहो, इनको हर आन निगाह में रखो और देखो कि तुम कितने अच्छे हो, कितने अच्छे बन सकते हो। बस बस मेरी तकरीर तमाम हो गई। तो अब सारी मिल्लत इस्लामिया से एक जुमला कहूंगा और सुनने वालों से इजाजत ले लूंगा कि भाई मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है, और वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जो ये नहीं मानते कि वो पैदा हो चुका। आखिरी जुमला है तकरीर का, आखिरी जुमला, इंतजार हम भी कर रहे हैं किसका? जो पैदा हो चुका। इंतजार दूसरे मुसलमान भी कर रहे हैं किसका? जो पैदा होगा। भाई तो इंतजार क्यों कर रहे हो? इंतजार क्यों कर रहे हो भाई? इजमा से बना लो। बस तकरीर तमाम हो गई। अब मुझे कुछ नहीं कहना, ये मेरी तकरीर का आखिरी जुमला है। भाई इंतजार पे हम भी हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि नस मिल चुकी है कि वो आएगा, लेकिन तुम्हारी तो मजबूरी नहीं है, तो तुम क्यों इंतजार कर रहे हो? इजमा से बना लो। कहा कि नहीं, हम इजमा से तो नहीं बना सकते, इसलिए उसे अल्लाह भेजेगा। तो जब 12वें को इजमा से ना बना सको तो पहले को कैसे इजमा से बना लोगे?